हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एडुवेंचर्स लर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन है, स्टेट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाली उन सारी बातों के बारे में हमें डिस्कस करनी है जो कि पॉसिबली उसी वक्त होती है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। इज इट एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। क्या ये ज़रूरी है कि जितनी भी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के दौरान होती हैं वो सभी एक के बाद एक कंटिन्यूस हो, तुरंत बाद हो, या फिर वो प्रोसेसेस के बीच में, उन अकरिंग के बीच में कुछ गैप हो सकती है। सो ये स्टार्टिंग विद द आंसर, हमारा ये जो केमिकल फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस का, 6CO2 जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O जो कि वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स आउट शुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन। ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो कैसे होता है वो देखते हैं। अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ऑफकोर्स जो क्लोरोफिल होते हैं हमारे लीफ के अंदर, वो जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्या करते हैं, सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी होगी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। देन होती है हमारी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जो मैंने अभी जस्ट कहा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कराया जाता है, कन्वर्ट कराया जाता है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग किया जाता है, क्योंकि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से ही बना हुआ है, तो उसे दोनों को सेपरेट किया जाता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। द नेक्स्ट प्रोसेस रहता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्रेक किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है उसके प्रोसेस को, और वहाँ पर बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्मॉलर फॉर्म है। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये जितने भी स्टेप्स हमने अभी यहाँ पे पढ़े, ये 1, 2 और 3 स्टेप्स, इनका एक साथ एक के बाद एक होना ज़रूरी नहीं है, इमीडिएटली होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि डेजर्ट में जितने प्लांट्स होते हैं, ऑफकोर्स ये बात है टेरेस्ट्रियल जोन जो होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस होते हैं, अकरिंग्स होती है, वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू डेजर्ट प्लांट्स। अकेशिया में और जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट होती है, कैक्टस में डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल लेवल के प्लांट्स में। तो डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, वो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, सपोज अकेशिया या फिर आपका कैक्टस, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी होते हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, रात में सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेते हैं, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और फिर जो इंटरमीडिएट रहता है, जो बीच का समय रहता है, उसमें वो क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। दोपहर के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, जितना भी सनलाइट है, जितना भी एनर्जी है, अपॉन बाय द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे लाइट। डे के टाइम पे कौन सी एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, ऑफकोर्स लाइट एनर्जी सन से रिसीव करेंगे, तो सन से दोपहर के टाइम पे सारी एनर्जी रिसीव कर ली जाती है, उसे सेव करके स्टोर करके रखा जाता है, और फिर इंटरमीडिएट के टाइम पे बीच के समय में जब कार्बन डाइऑक्साइड जो रात में मिली थी हमें, रात में लिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और सुबह में मिला हुआ क्लोरोफिल से ट्रैप किया गया जो डे लाइट है, दोनों एक साथ एक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रात में लिया गया था और जो केमिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ये सारी चीजें जो है वो दिन में अब्सॉर्ब की गई है, राइट। सॉरी, केमिकल एनर्जी नहीं, लाइट एनर्जी जो है वो दिन में अब्सॉर्ब की गई है। तो रात और दिन के बीच का जो फासला है वो ये क्लियरिफाई करता है कि इमीडिएट एक्शन होना जरूरी नहीं है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हर चीज होनी जरूरी है, हर चीज की अवेलेबिलिटी जरूरी है, लेकिन वो किस टाइम पे होगी ये मैटर नहीं करता है। थैंक यू।